सो गाइज, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ Amazon ह्यूज बेबी हॉल। तो मैंने रूरू के लिए बहुत सारी चीज़ें शॉप की हैं, जिनमें से एक ये भी है, बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक और ये छोटी सी डोनट वाली टर्बन। रूरू इसमें बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलो पहले थोड़ा सा खाना बना लेते हैं। तो इसमें ऑयल डाला है, उसके बाद इसमें जीरा, प्याज और तेज पत्ता डाल के इसे हल्का सा फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। आफ्टरवर्ड्स हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने इसमें टमाटो प्यूरी डाली है। इसमें 4 टमाटर थे, इसे मैंने अच्छे से कुक कर लिया। उसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्ची थोड़ी ज़्यादा है एंड धनिया और हल्दी डाली है। लाल मिर्च ये है कश्मीरी लाल मिर्च है, तो ज़्यादा तीखी नहीं है ये वाली, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली जिससे कलर अच्छा है। और 1 से 1.5 चम्मच टमाटो केचप, थोड़ा सा पानी और थोड़ी देर कुक करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने घर का बना हुआ पनीर इसमें ऐड कर दिया एंड इट्स रेडी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है गाइज, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने रूरू के लिए शॉप की हैं फ्रॉम Amazon। इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज बेबी हॉल। सो ऑब्वियसली गाइज, ट्राई ऑन तो नहीं होगा क्योंकि मैं बार बार रूरू के कपड़े नहीं पहना सकती, छोटा बच्चा है, इरिटेट हो जाएगा। सो इसलिए इट्स गोइंग टू बी लाइक अ बेबी हॉल, ह्यूज बेबी हॉल। इसमें कुछ एक्सेसरीज हैं, कपड़े हैं एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू एवरीथिंग। बहुत बड़ा हॉल होने वाला है, तो आराम से बैठ के देखो। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप रूरू के लिए क्या लेते हो, कहाँ से लेते हो, प्लीज़ वो दिखाओ। सो आई डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग फ्रॉम Amazon दिस टाइम, आई एम गोना शो यू दैट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव, दिस इज फ्रॉम हॉपस्कॉच, मतलब बेसिकली Amazon से है लेकिन ब्रांड हॉपस्कॉच है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा शर्ट है एंड इसमें बो लगा हुआ है, इट्स अ ग्रीन एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन, स्ट्राइप्स में है और नीचे इसमें बॉडी सूट वाला टाइप है एंड इसके साथ एक बहुत ही क्यूट सी निकर आई है। सो दिस इज द निकर जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी है, क्यूट सी है एकदम। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगने वाला है साथ में। जब मैंने इसे देखा सो आई वॉज लाइक कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा, इट्स अ वेरी डिफरेंट डिज़ाइन। सो आई बॉट इट फॉर रूरू एंड ये मैंने साइज़ लिया है फ्रॉम 6 to 9 months बिकॉज वो ऑलरेडी 6 months की हो चुकी है। अब मैं एग्जैक्ट 6 months वाले लूँगी तो अब पता क्या होता है छोटे छोटे बच्चों के साथ कि नेक्स्ट कुछ दिनों में ही कपड़े छोटे जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ लिया है इस बारी, आई होप कि उसको सही आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीस, अगेन फ्रॉम हॉपस्कॉच। तो ये एक येलो कलर का बॉडी सूट है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है इसमें एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है रूरू को पहनने के बाद। उसने अभी आई थिंक कल या परसों पहना था, तब हम आगरा गए थे। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, क्वालिटी इज़ रियली रियली नाइस। और साथ में ये निकर आया है बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, जिसमें फ्रंट में बो दिया गया है, तो ये इस कलर को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। ये बिल्कुल शीन वाली वाइब देता, जब मैंने रूरू को पहनाया तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस। इसका जो बॉटम है, दिस इज़ क्रीप एंड दिस इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट टी शर्ट मटेरियल। सो अगेन मैंने एक बहुत ही क्यूट सा सेट ऑर्डर किया है विच इज़ वेरी वेरी प्रिटी, लेट मी शो यू। तो इसमें एक ये बो हेयरबैंड आया है ग्रीन कलर का, इसका आई थिंक ट्राई ऑन पार्ट मैंने शूट किया है क्योंकि मैंने उसको पहना के देखा था, तो ये आपको मिल जाएगा। सो इसमें ये बो आया है ग्रीन कलर का, कॉटन मटेरियल एंड ये इसमें बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक है जिसमें कि ये इस तरह का फ्लोरल प्रिंट है और फ्रंट में बो बनाया है एंड इसके साथ एक छोटा सा अंडरवेयर भी आया है अंदर पहनाने के लिए। दिस इज़ द ग्रीन कलर, ब्यूटीफुल सा प्यारा सा एकदम, तो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा तो सिर्फ ये एंड दिस बो, इट लुक्स रियली रियली क्यूट। नेक्स्ट मैंने एक और फ्रॉक ऑर्डर किया है एंड इसका आपको ट्राई ऑन देखने को मिल जाएगा। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई हैव शॉट ऑन हर एंड उसने चुपचाप शूट करा लिया बेचारी ने। तो ये है एक बहुत ही प्यारा सा कैंडी वाला फ्रॉक एंड इसमें बहुत ही प्यारे से आइसक्रीम्स और छोटे छोटे कोन्स बने हुए हैं एंड दिस इज़ लाइक रियली रियली प्रिटी, बहुत ही क्यूट लग रहा था पहनने के बाद। इट्स अ वेरी कलरफुल पीस, इस तरह के कपड़े बच्चों में बहुत अच्छे लगते हैं, खिल के आते हैं। इट्स अ वेरी प्रिटी फ्रॉक एंड पीछे से कुछ ऐसा डिज़ाइन है इसका। सो दिस इज़ कॉटन मटेरियल एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस। वेन एवर आई इमेजिन हर इन छोटे छोटे कपड़े तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने रूरू के लिए कुछ बॉडी सूट्स भी ऑर्डर किए हैं, बेसिकली मैं उन्हें एज अ नाइट सूट यूज़ करती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या यूज़ करती हूँ, उससे पहले लेट मी शो यू द क्लोथ। अगेन वन मोर पीस फ्रॉम हॉपस्कॉच और ये बहुत ही प्रिटी सा फ्रॉक है। एज यू गाइस कैन सी दिस इज़ रियली रियली प्रिटी एंड उसमें ऊपर ऐसे टाई दी गई हैं एंड ये इसमें फ्रंट में एक पिंक कलर का बो है। तो ये मैंने थोड़ा छोटा ही मंगाया क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ कि मैं उसको पहना पाऊँ, तो इसलिए। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम द बैक, चेन है इसमें एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लग रहा है, एकदम क्यूट सा, एकदम ट्यूल वाली फीलिंग दे रहा है। तो आई थिंक ये उसमें बहुत प्रिटी लगेगी, एकदम क्यूटू सी। सो आई रियली लाइक दिस। ओके, सो आई रिसेंटली डिस्कवर्ड अ फैशन टिप फॉर बेबीज, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि अगर आप उन्हें कुछ भी बना रहे हो ना तो उनके हेड पे आप उन्हें एक कोई भी बंडाना या फिर कुछ ऐसा बैंड, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैंने ऑर्डर की, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो आप पेयर अप कर दो ना तो लुक इंस्टेंटली चेंज हो जाता है गाइज। योर गर्ल्स लुक रियली रियली स्टाइलिश, ट्रस्ट मी। एंड ये एक दूसरा पीस है हमारे पास विच इज़ आई थिंक अगेन फ्रॉम हॉपस्कॉच एंड ये वाइट कलर का बॉडी सूट है, बहुत ही प्यारा सा।
इज वेरी वेरी नाइस मटेरियल एंड उसके ऊपर इन्होंने ये डांगरी दी है विच इज़ इन मिलिट्री प्रिंट. आई रियली लव दिस आउटफिट. मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है. आई होप कि रूरू इसमें बहुत प्यारी लगने वाली है एंड इट्स रियली रियली प्रिटी. लुक एट इट. तो नीचे से बंद हो जाती है सारी चीज़ें. आपको पहनाने में इतनी टेंशन नहीं होती बेबीज को और बेबी भी फंसी नहीं होते इन्हें पहनकर. दैट पार्ट आई रियली लाइक बिकॉज जब मम्मी बताती है जब हम लोग छोटे थे तो ऐसे कपड़े नहीं आते थे जो नीचे से बंद हो जाए, लेकिन अब आने लगे हैं, विच इज लाइक रियली कूल. और अब चीजें बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गई हैं. यस, मेरी वीडियो एंडिंग नहीं हुई तो करो आओ बीच में वीडियो के. तुम आ जाते हो तो बीच में लोग ऐसे आ जाते हैं मुझे डिस्टर्ब करने के लिए. लाइफ इज वेरी डिस्टर्बिंग. चलो, सो दिस इज द नेक्स्ट पीस दैट आई हैव. क्योंकि मेरे टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मैं अपना काम करूंगी. So this is the next piece. It's a blue and pink color frock जिसमें छोटी छोटी यहाँ पे mesh है. And pink color frock. हाँ. और ये भी hopscotch है. ठीक है ठीक है. मैं पहले अपने काम करूँ. नहीं नहीं. अब मैं अपने ही करूँगी. चलो जल्दी जल्दी करो यार. चलो. चलो. तो ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं वीडियो बनाने में. सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल फ्रॉक दैट आई बॉट फॉर रूरू. और ये भी बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा फ्रॉक एकदम. ये भी बहुत प्यारा लगने वाला है उसके ऊपर. इट्स अ वेरी वेरी नाइस क्लॉथ. बहुत अच्छा कपड़ा है, सॉफ्ट है. और नीचे जो मैश दी गई है इसमें बो वाला डिज़ाइन है. तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है. मतलब इतने प्यारे प्यारे कपड़े आते हैं ना यार बच्चों के. आई जस्ट लव इट. सो नेक्स्ट मैंने एक फ्रॉक लिया है. आई होप कि मैं इसे रूरू के बर्थडे पर पहनाने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ. तो ये बहुत ही प्यारा सा ब्लैक कलर का फ्रॉक है. इसमें ऊपर सैटिन है तो नीचे इस तरीके की ये दी गई है नेट इसमें. और अंदर इसमें अस्तर है काफ़ी अच्छा खासा. तो काफ़ी थोड़ा सा हैवी फ्रॉक है ये. और पूरे पे एक मल्टी कलर वाले पॉम पॉम्स लगे हुए हैं. आई थिंक ये बहुत ही प्यारा सा लगने वाला है एकदम क्यूट सा. 6 to 12 months. सो लेट्स सी अगर उसको फिट होता है तो मैं उसको पहना दूंगी. एंड दिस इज लाइक रियली रियली प्रिटी. थोड़ा सा हैवी है, काफ़ी हैवी है बेबी के हिसाब से, लेकिन बहुत प्यारा है. सो एक मैंने ये टी शर्ट ऑर्डर की है बहुत ही प्यारी सी छोटू सी अभी डेली वेयर के लिए. छोटा सा जिराफ बना हुआ है यहाँ पे. एंड दिस इज 3 to 6 months. अभी रिसेंटली उसको पहनाने के लिए चाहिए थी मेरे को एक रेड कलर की टी शर्ट. सो आई ऑर्डर इट एंड इट्स वेरी वेरी प्रिटी. बहुत अच्छा कपड़ा है. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड फ्लाई बीज. मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है. मैंने एक व्हाइट कलर का बॉडी सूट मंगाया था रूरू के लिए. बहुत अच्छा आया. सो आई थॉट ऑफ बाइंग फ्रॉम देम बिकॉज उनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है गाइस. इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट. मैं आपको भी एक्सेसरीज दिखाने से पहले लास्ट चीज दिखा दूं विच आई यूज फॉर रूरू एज नाइट सूट्स. तो सबसे पहला ये 3 का सेट आया है एक्चुअली. तो ये है इसका पहला वाला. स्ट्राइप्ड है एकदम बहुत ही क्यूट सा. तो ये मैंने ऑर्डर कर लिया. उसके छोटे हो गए थे. अभी मैंने ऑर्डर किया है 6 to 9 months वाला. तो ये है बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर का एंड इट्स रियली रियली गुड. ये बहुत अच्छे रहते हैं रात में सोने के लिए. एसी वगैरह में सोते हैं बच्चे तो मतलब रूरू कभी कभी कंफर्टर को ऐसे लात मार के इधर उधर कर देती है. तो इसलिए रात के लिए मैं ऐसी चीज़ें बनाती हूँ उसको. एंड इट्स अगेन अ वेरी प्रिटी ब्लू कलर बॉडी सूट. उसके पास पिंक और रेड्स बहुत सारे थे तो आई थॉट ऑफ बाइंग समथिंग इन डिफरेंट कलर. एक ही कार प्रिंट वाला है, ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट है. सो या दिस इज अनदर वन. इनके कपड़े सॉफ्ट होते हैं एंड मैं ये एंड ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आते. मैं थोड़े नॉर्मल से ही मंगाती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं बॉडी सूट्स वगैरह. तो मुश्किल से वो 2 या 2.5 महीने पहले बहुत बड़ी बात है उसके लिए. तो मैंने ये वाला 3 वाला सेट मंगाया फिर से. आई हैव लाइक लॉट ऑफ हेयर एक्सेसरीज फॉर हर. उसमें से पहली है ये बो वाली विच इज़ दिस वेलवेट वाइन कलर बो. बहुत ही प्यारा लग रहा है पहनने के बाद. आई एम प्लानिंग दिस फॉर एनी ऑफ द ड्रेसेज. अगर जब भी मैं स्टाइल करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी उसका. एंड ये बहुत ही प्यारा सा बो है. ये सब लगा के ना बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं. ट्रस्ट मी गाइज, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस अगर आपकी बेबी गर्ल है तो. ये बहुत अच्छा है. इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है. एंड ये सॉफ्ट होते हैं, इनमें इलास्टिक नहीं होती तो बेबी के सर पे चुभते नहीं है. तो कपड़े वाले आर द बेस्ट. नेक्स्ट मैंने एक और ऑर्डर किया जिसमें आगे ऐसे डोनट सा बना हुआ है. एंड ये बहुत अच्छे मटेरियल में, दिस इज टी शर्ट मटेरियल. तो ये बहुत कंफर्टेबल रहता है एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लगता है. सो या दिस इज समथिंग. ये बहुत टर्बन टाइप है एकदम एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है. इसमें मैंने एक ये फ्लावर वाला मंगाया है. इसमें कुछ इस टाइप का फ्लावर आता है एंड ये भी सेम मटेरियल है. दिस इज इन द कलर व्हाइट. तो डिफरेंट ड्रेसेस के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट मंगाए हैं उसके लिए. एंड ये एक इसमें मैंने ग्रीन कलर भी मंगाया है. ब्लू ऑलरेडी है उसके पास इसका. तो ये नियॉन ग्रीन मैंने मंगाया है सेम फ्लावर में. उसके अलावा एक ये रेड मंगाया है. दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी वेरी प्रिटी. बहुत सॉफ्ट है इनका कपड़ा. बेबी बिल्कुल डिस्कम्फर्ट फील नहीं करेगा, ट्रस्ट मी. मैं रूरू को पहना रही हूँ सो आई हैव एन आइडिया. एंड बहुत प्यारे लगती है बेबी इन्हें पहन के. लास्ट मैंने ऑर्डर किया है, पूरा सेट है. तो ये बहुत सारे कलर्स में आए हैं एंड दिस इज द वन. ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है एंड बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद. इट लुक्स रियली रियली क्यूट.
तो मेरे पे तो नहीं अच्छा लगेगा, बट बच्चों पे बहुत प्यारा लगता है. सो आई रियली लाइक दिस. में जो बो बना हुआ है सामने, ये बहुत अच्छा लुक देता है. सो इस तरह की चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं. एक्चुअली हाउ आई डिस्कवर्ड दीज, जब मैं प्रेगनेंट थी तो दिवेश कुछ बेबी के वीडियोज़ देखते थे, तो कोई बाहर के यूट्यूबर हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनके वीडियो देखते थे दिवेश. तो वो अपने बेबी को ऐसे बनाते थे. सो ही जस्ट टोल्ड मी कि देखना है कितना प्यारा लगता है, बिकॉज आई हैव नेवर सीन इट. एक्चुअली पहले हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन जब दिवेश ने देखा, आई रियली लाइक डिट, ही लव्ड इट. सो वी थॉट ऑफ बाइंग दीज फॉर रूरू, एंड दे लुक्स रियली रियली क्यूट गाइज. यू कैन ट्राई दिस आउट. ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, इज अ प्रीटी अफोर्डेबल, आप चाहें तो ले सकते हैं. सो ये काफ़ी क्यूट लगता है बच्चे इनमें. तो बस ये था आज का वीडियो. आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहा हुआ न्यू मॉमीज, एंड मैं बहुत खुश थी इस वीडियो को बनाते हुए, बिकॉज कुछ भी आपके बच्चे से रिलेटेड होता है आपको बहुत अच्छा लगता है. सो दिस इज द सेम थिंग विद मी. तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ. टिल देन टेक केयर. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वन.